हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, अगर आपके ट्रैक्टर में किसी भी तरह की सप्लाई नहीं आ रही, मीटर के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चल रहा है, सेल अप स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ गाइस, ट्रैक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है गाइस। सभी स्विच को घुमाने के बाद में बोर्ड के अंदर कोई भी लाइटें नहीं चलती, या वाली सभी बंद रहती हैं। चाबी स्विच को हम स्टार्ट करते हैं फिर भी नहीं स्टार्ट होता है, और लाइटें भी नहीं चलती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है सब कुछ। तो गाइस, उसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट बता देता हूँ गाइस, जो आपको कहाँ जाना है सीधा डायरेक्ट। तो गाइस, अगर आपके कुछ भी नहीं चल रहे हैं, सब कुछ स्विच वगैरह सभी ऑन करने के बाद में नहीं तो स्टार्ट हो रहा है, नहीं लाइटें चल रही हैं, तो गाइस आपको मैं बता देता हूँ गाइस, ये वाली जो वायरिंग है, वायरिंग के अंदर एक मेन फ्यूज आता है गाइज, ये वाला, इस फ्यूज को चेक करें गाइज, ये अगर हो सकता है ये उड़ गया होगा तो आपका कुछ भी नहीं चलता है, इसको वापस बांध दे गाइज, इस फ्यूज को चेक करें गाइज, इस फ्यूज में वापस वायर बांधे ताकि सभी आपके चल जाएगा, क्योंकि मेन वायर फ्यूज हुआ या मेन सप्लाई का यही होते हैं, ये उड़ जाते हैं, इसकी वजह से नहीं चलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद में अगर लाइटें नहीं चल रही हैं, बोर्ड की लाइटें नहीं चल रही हैं, बोर्ड मीटर नहीं चल रहे हैं, हेड लाइटें नहीं चल रही हैं, तो गाइस इसके अंदर इसको खोले, इसके ऊपर नंबर वाइज इस पर लिखा हुआ रहता है, उसके हिसाब से आप फ्यूज को चेंज कर सकते हैं गाइस, लेकिन स्टार्ट भी नहीं हो रहा है तो इसको मेन इसको देख सकते हैं गाइस।